हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका किचन टिप्स में आपका स्वागत है। तो आज की रेसिपी है बादाम शेक। तो चलिए फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं, हेल्दी एंड टेस्टी, जिसके लिए मैंने यहाँ 15 से 20 बादाम और 10 से 12 काजू ले लिया है और मैं यहाँ कस्टर्ड पाउडर भी मिक्स करूँगी। तो सबसे पहले हम बादाम को 2 घंटे पहले भिंगो के रख दिए थे और अब हम इसका छिलका निकाल लेंगे। तो देखिए बहुत ही इजीली छिलके निकल जाते हैं भीगने के बाद। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी इसे पीस सकते हो, बट ये काफ़ी गर्म होता है इसलिए मैं इसका छिलका निकाल रही हूँ भिगाने के बाद। और बादाम शेक में काजू बिल्कुल भी ऑप्शनल है, मैंने बस इसलिए लिया है कि थिकनेस बढ़ाने के लिए। कस्टर्ड पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए। यहाँ मैंने करीब करीब आधे लीटर के जितना दूध ले लिया है। काजू और बादाम को अच्छे से 2 पानी से धुल लिया है मैंने। धुलने के बाद मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसे अच्छे से पीस कर एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। आप इसे पानी या दूध के साथ ग्राइंड कर लीजिए। यहाँ देखिए मैंने इसे पीस के रेडी कर लिया है, मैं एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और दूध उबलने के लिए रख दिया गया था। लगभग दूध में एक बॉयल आ चुका है। गैस के फ्लेम को हम लो ही रखेंगे क्योंकि हमें 10 से 15 मिनट तक इसे कुक करना है। अब काजू और बादाम के पेस्ट को हम इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करते हुए चलाते हुए हम इसे 10 से 15 मिनट पका लेंगे और अच्छे से जब ये पक जाए, हम यहाँ एक बाउल में कस्टर्ड पाउडर ले रहे हैं जिसमें 2 या आप 1 चम्मच ले सकते हैं। बस मैं इसे फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, थिकनेस के लिए मैंने काजू ऐड किया था। रूम टेम्परेचर दूध में मिक्स करके हम इसे इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। दूध में अच्छे से उबाल आ चुकी है, आप देख सकते हैं इसे। हमारा काजू बादाम का पेस्ट जो है वो दूध में अच्छे से पक गया है और हमने कस्टर्ड पाउडर का जो घोल बना के रखा था मैं उसे मिक्स करूँगी और दूसरे हाथ से लगातार इसे चलाती रहूँगी ताकि इसमें कोई भी गुलटियाँ ना आए। मैं यहाँ लगभग 4 टेबलस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट फिर से पकाऊंगी। पकाने के बाद मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर रख दिया है नॉर्मल होने के लिए। फिर मैंने इसे फ्रिज में रखा था 1.5 से 1 घंटे के लिए, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ठंडा ठंडा आप इसे सर्व करें, ये पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, घर का है, हेल्दी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ऊपर से मैंने इसे बादाम और पिस्ता से गार्निश कर दिया है ताकि ये देखने में और भी लजीज एंड लाजवाब लगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।